opened all the windows in my brain. It just like everything made sense. वो जो मैंने द गॉड इज नॉट ग्रेट पढ़ी ना, जो जो उसमें बातें लिखी हुई थी वो एग्जैक्टली जो मैं फील कर रही थी, जो मेरे जहन में आ रहा था एग्जैक्टली वो एवरीथिंग मेड सेंस. ठीक है, उसमें वो सारे रिलीजन्स के बारे में बात करते हैं. अब मजहब के बारे में जो किताबें लिखी जाती है ना, उसमें इस्लाम को जो राइटर्स हैं वो नहीं डिस्कस करते जानबूझ के, क्योंकि आपको पता डर होता है। सलमान सलमान रुश्दी के साथ क्या हुआ. जब भी कभी कोई इस्लाम को टच करने की कोशिश करता है उसको ये लोग कत्ल कर देते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं. लेकिन क्रिस्टोफर हिचिन्स की किताब में उसने क्रिश्चियनिटी को भी डिस्कस किया, उसने सारे वर्ल्ड रिलीजन्स को, मतलब हिंदुइज्म को भी डिस्कस किया, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन उसने इस्लाम को बड़े ओपनली उसने डिस्कस किया. और उसने कहा कि ये सारे यू नो मैन मेड हैं एंड एवरीथिंग. एंड उसने एक वो स्टोरी है मदर टीसा वाली कि किस तरह यू नो ये सब मजहब बेवकूफ़ बना रहे हैं. उसके बाद मैंने रिचर्ड डॉकिंस की किताब पढ़ी. उसके बाद मैंने डैनियल डनेट की ब्रेकिंग द स्पेल पढ़ी. फिर मैंने सैम हैरिस की पढ़ी. यू नो एक तो उसकी दो तीन किताबें हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, एंड ऑफ फेथ. उसके बाद उसकी है मोरल लैंडस्केप, और एक और बुक है जो बहुत ज़बरदस्त है, लेटर टू क्रिश्चियन नेशन. और वो ये सारी किताबें जब मैंने पढ़ी ना, उसके बाद मैंने सेपियंस पढ़ी, एवरीथिंग यू नो फेल इन टू प्लेस. मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसके बाद. यू नो इट जस्ट केप्ट ऑन बिल्डिंग आपके वाकई ये मजहब जो है सारे मैनमेड हैं और इंसानों ने खुद बनाए हैं. उस वक्त वो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कायनात के राजों को समझने के लिए सिंपल माइंडेड लोगों ने बनाए थे. बेसिकली छोटे छोटे कल्ट्स की सूरत में ये डिवेलप हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेट लेवल पे जब उन्होंने अपनाया गया लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ओप्रेस करने के लिए, तो फिर इस तरह से उनको प्रोपोगेट किया. फिर जंगें हुई, लोगों ने कब्जे किए, इन्वेड किए, और उसके बाद जहां जहां जो जो जिस जिस मजहब ने यू नो कॉन्कर किया या उनको कब्जा किया, वहां पे लोग गए और वो इस तरह से उन्होंने अपनी मजहब लोगों को मजहबी बनाया. तो एवरीथिंग मेड साइंस. उसके बाद तो आप, लेकिन वो कुरान, आप यू नो आप मजहब को छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको एक तो ये कि सबसे ज्यादा खौफ आपको आखिरत का होता है, मरने के बाद आपके पास क्या होगा. लेकिन मुझे इसलिए ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि जो अल्लाह का जो इमेज था ना, जो बना हुआ था मेरे जहन में, वो शैटर हो गया कुरान पढ़ के. मुझे अल्लाह लगा बहुत नार्सिसिस्ट है, ही जस्ट वॉन्ट्स टू बी प्रेज्ड. अपनी खुद ही तारीफें किए जा रहा है, तारीफें किए ही जा रहा है. हर तीसरी आयत के बाद ये भी आता था, एक एक तो जन्नत दोजख का बता के फिर खुदा गफूर है रहीम है, फिर कोई और तारीफ आ जाती थी. मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा क्यों अपनी बार बार तारीफ किया जा रहा है. वी गॉट इट, लाइक आई अंडरस्टैंड के ये कोई ऑथर, जिस मैं अपनी किताब लिखती हूँ ना, मैं हर किताब के हर सफ़े पे मैं लिखूँ मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ, आई एम लाइक ग्रेट, फिर मैं अगले पेज पे तो आप इरिटेट हो जाएंगे, यार वी हमने सुन लिया आप ग्रेट हैं, लेकिन ग्रेटनेस का तो दूसरे लोग बताएंगे ना कि आप ग्रेट हैं कि नहीं. आप खुद तो नहीं बताएंगे कि आप ग्रेट हैं. तो क्या मुझे बात है। लगा कि गॉड इतना नार्सिसिस्ट क्यों है. फिर मुझे लगा कि गॉड बाइपोलर है एक तरफ. एक अच्छा ये चीज मुझे कभी हजम नहीं होती कि बल्कि मैं अभी एक कुछ दिन पहले एक ट्विटर स्पेस पे थी, और मैं कह रही थी जब मैंने कुरान को पढ़ा तो मुझे लगा कि एक टॉक्सिक बुक है, क्योंकि इतनी अग्रेशन है. एक तो मुसलमानों को दूसरे यू नो क्रिश्चियंस और क्या ज्यूज यहूदो नसारा यहूदो नसारा यहूदो नसारा यहूदो नसारा करके इतना. एक अगर एक गॉड ने पूरी दुनिया बनाई है तो वो इंसानों को मोहब्बत का पैगाम दे, वो क्यों लड़वा रहे हैं इंसानों को आपस में एक दूसरे से, क्यों यहूदो नसारा करके यू नो बाय बाय गॉड. देखिए एक इतनी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, बिलियंस एंड इतनी इतनी इंफिनिट यूनिवर्स है, उसमें एक छोटी सी दुनिया है, उसमें एक जरे जरे जितनी डॉट्स जितनी उसमें इंसान है, जो कि लाइक डॉट के अंदर आप एक इंसान डालें वो इतना छोटा है. उसमें गॉड के पास कोई टॉपिक नहीं है सिवाय वो इंसानों की केयर करे कि वो उसको मानते हैं कि नहीं. लाइक वुड यू केयर. मैं अपनी एक लाइव स्ट्रीम में मैंने बात की थी कि आप समझें कि आप गूगल के सीईओ हैं, जो गूगल पूरी दुनिया को जो फैली हुई है. ठीक है, उसमें आप पाकिस्तान के या इंडिया के एक छोटे से गांव में आपके गूगल के ऑफिस का जो समझे कि कोई चपरासी है, आपको ये फिक्र है कि वो चपरासी मुझे मानता है कि नहीं सीईओ, कि मैं सीईओ हूँ कि नहीं.
आप मतलब आपको कॉन्स्टेंटली टेंशन है, आप एक पूरी किताब लिखते हैं, अपनी आखिरी किताब, ये गूगल का एक मैनुअल छापते हैं जो कि आखिरी मैनुअल है, और उसमें आपको फिक्र है कि वो चौकीदार आपको मानता है कि नहीं. लाइक वाह, मुझे लगा कि ये है गॉड का माइंड सेट. आई जस्ट कुडंट बिलीव कि दिस इज द गॉड हु मेड द होल यूनिवर्स. आई जस्ट नो बडी कैन कन्विंस मी कि गॉड का की फिक्र ये है कि लोग उसको मानते कि नहीं. व्हाई वुड यू केयर? लाइक इफ यू मेड द यूनिवर्स लाइक दिस, इतनी ग्रैंड यूनिवर्स है, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इट्स सो ग्रैंड. इफ गॉड रियली, इफ द ऑथर ऑफ कुरान इज द गॉड हु मेड द यूनिवर्स, ही वुडंट केयर कि लोग उसको मानते हैं कि नहीं. बिल्कुल, बड़ा बड़ी जबरदस्त आपने गूगल वाली जो मिसाल दी है, बड़ी जबरदस्त दी है। और मोमिन हजरात को खुद इस बारे में सोचना चाहिए कि आप लोगों का जो सो कॉल्ड खुदा है, और जहां तक मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जितने भी रिलीजन मौजूद है उसमें से जो ये इस्लाम वाला खुदा है, इस्लाम वाला अल्लाह है, उसके जैसा नार्सिसिस्ट खुदा किसी और के जितने भी रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं उनके कॉन्सेप्ट में होगा कि वो कंटिन्यूअसली ये चाहता है कि लोग मेरी बड़ाई करे, प्रेज करे, और मुझे अगर नहीं माना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए, इनफिनाइट टाइम के लिए उसको जो है वो जलाऊंगा। तो इतना खतरनाक खुदा तो मेरे को नहीं लगता किसी और के कॉन्सेप्ट में होगा जो कि इस्लाम में है। और अगर कोई कुरान पढ़े तो ये वाली फीलिंग उसको जरूर आएगी कि यार, मतलब उसको क्यों मनवाना है भाई, क्यों मनवाना है उसको, क्या मिल जाएगा उसको मनाए। और मोमिन हजरात भी जब आके ये, जब हम सवाल करते हैं उसके जवाब में ऐसी जलेबी बनाते हैं, एक बार तो ये कहते कि उसको फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी इबादत करो नहीं करो, आप काफिर हो जाओ, आप मुर्तद हो जाओ, पूरी दुनिया अल्लाह की इबादत नहीं करे, उसके खुदा होने में एक जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप ये बात भी करते हो कि फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उसको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है कि वो बेचैन हो जा रहा है, तिलमिला रहा है, मछली की तरह तड़प रहा है वो अपनी इबादत करवाने के लिए, और जो उसकी बात जो है नहीं सुन रहा, फिर उसके लिए सजाओं की बात करता है वो। ये कैसा आप लोगों का खुदा है यार, इतना नार्सिसिस्ट। अच्छा, उसको फिर वो ये भी चाहता है, वो ये भी नहीं चाहता कि आप जो है ना पाक साफ रहो, एकदम साफ सुथरे रहो, वो ये चाहता है कि आप गुनाह करो और गुनाह करने के बाद फिर माफी मांगो, तब अल्लाह को खुशी होती है। हदीस हमने आपको बार बार बताया, अल्लाह ने कहा कि अगर जो लोग हैं वो अगर गुनाह करना छोड़ देंगे तो अल्लाह जो है उनको तबाह करके दूसरी एक कौम लेके आएगा जो गुनाह करेगी और उसके बाद अल्लाह से माफी मांगेगी तो अल्लाह उनको माफ करेगा। ये कैसा खुदा है जो चाहता है कि लोग जो है गुनाह करें और फिर माफी मांगे? पूरा खेल तो उसने इस तरीके से ही रचा ना, ये तो पूरा प्री प्लान था अल्लाह का, उसने ही खुद जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इविल जो है वो शर करने की जो सलाहियत है वो अंदर डाली, फिर शैतान को भी लगा दिया ताकि वो शर करने में उसको और आगे बढ़ाए, बहकाए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही पूरा फ्लॉड है और बिल्कुल इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल कॉन्सेप्ट देता है इस्लाम आपको, टेस्ट का और ये सजा का, गुनाह का, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इलॉजिकल है। ये बातों पे आप लोगों को, खास करके जो मोमिन हजरात है उनको इन बातों पे सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के वजह से, आप लोगों के वजह से इन दिस सेंस कि आपके इस्लाम के वजह से आप दिमागी अपंग हो गए हो, और उसी दिमागी अपंगता में आपने जहां भी आपकी मेजोरिटी आई है वहां का आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। अब कुछ नहीं बचा तो वेस्ट की भी आप लोग बंबू लगाना शुरू कर दिए। आए दिन हमें जो है वो केसेस नजर आते हैं कि क्या मामला आप उधर करते हो, शरिया का आपको वहां पे जो है वो, हमें यहाँ पे शरिया चाहिए, शरिया चाहिए, इस तरीके की चीजें आप लोग ऐसे खुदा के लिए कर रहे हो। यार खुद भी चैन से रहो, दूसरे को भी चैन से रहने दो। तो मदिया जी, ये जो टाइम था, आपने जैसे कहा कि आप यूएस गई और वो जो आपकी एथियस दोस्त थी उसने जब आपसे कहा तो आप ये चाह रही थी कि मैं उसको इस्लाम में लेके आऊंगी, और आपने फिर से पढ़ना शुरू किया, फिर आपको ये जो किताबें मिली, कितना अरसा इसमें, आई मीन अरसा नहीं बोलूंगा, कितने साल गुजरे आपको इसमें, कितना वक्त लगा?
मुझे 2 साल लगे, लाइक मुझे मतलब मैं इसमें, क्योंकि फिर मैंने 2-3 दफा कुरान पढ़ा उसके बाद, मैं ये नहीं कि मैं फिर क्रिटिकली कुरान को पढ़ना शुरू हुई, कि मुझे डाउट पूरा हो गया था, बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर आई एम मेकिंग द राइट डिसीजन. क्योंकि जाहिर है मजहब को तो नहीं आप छोड़ना, इतना आसान नहीं है मजहब को. आप किसी को कहें नहीं ये तुम अल्लाह तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं, आप वही करते हैं जो जलेबियां, मैं भी जलेबियां बनाती थी अपनी फ्रेंड के आगे. मेरी फ्रेंड बल्कि अब मुझे याद कराती है कि मैं कैसे जलेबियां बनाती थी, कैसे मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करती थी. लेकिन जब मुझे हुआ कि पक्का यकीन हो गया कि ये झूठ है, फिर मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू मेक श्योर बिकॉज आई एम वेरी मिटिकुलस, कि मैं आई एम मेकिंग द राइट डिसीजन. तो फिर मैंने कुरान को एज ए क्रिटिकल क्रिटिकल आई से पढ़ना शुरू किया. उसके बाद मुझे इतनी चीजें नजर आती थी. फिर तो जब आपके अकीदत की पट्टी आप हटा के जब कुरान को पढ़ते हैं ना, कि एज एन एवरेज बुक, तब आपको कुरान जस्ट डजंट मेक सेंस. क्योंकि मेरा ख्याल है वो क्रिस्टोफर हिचिन्स ने कहा था, नो वन एवर सैट डाउन ऑन ए वीकेंड टू रीड कुरान. लाइक किसी कोई भी अपने फारिग टाइम में, बाहर बारिश हो रही है, अच्छा सा मौसम है, और आप उठाएं कुरान पढ़ें कि चलो कुरान पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बुक है. क्योंकि उसमें इतनी बोरिंग है कि कुरान, इतनी खुदा का इतना नेगेटिव है, ऐसा लगता है खुदा बाइपोलर है. एक एक वक्त कह रहा है मैं जन्नत में डालूंगा, फिर जहन्नम में डालूंगा. इट्स अन एक जो इंसान है ना, जिसके दिल में जरा सा भी हमदर्दी है दूसरे इंसानों के लिए, प्यार है, इसके बजाय इसके लाइक इसके बावजूद कि उनका क्या मजहब है. अगर आपको इंसानों से मोहब्बत है ना, और आपको ये फिक्र नहीं है कि किसका क्या मजहब है, तो आपको ये बुक हजम नहीं होगी. तो मुझे ये बात हजम नहीं होती थी कि सिर्फ आप मुसलमान होने की वजह से जन्नत में जाएंगे और बाकी लोग जहन्नम में जाएंगे. आप जैसे दूसरे इंसान, उन्होंने क्या किया है, वो तो उस मजहब में पैदा हुए, इसलिए वो उस मजहब में है. तो उनका सिर्फ ये कसूर है कि वो गलत मजहब में पैदा हुए. तो फिर आप ये सोचते हैं कि उनको तो पैदा भी अल्लाह मियाँ ने उसी मजहब में किया, तो वो सबको मुसलमान पैदा कर देते. मतलब ये आप इस तरह के क्वेश्चन सोचते हैं. तो मुझे लगा कि खुदा पैसिव अग्रेसिव है, कभी मतलब बहुत अच्छा है, फिर बहुत मतलब जस्ट इट्स अ वेरी टॉक्सिक बुक. मुझे ये लगा टॉक्सिक है, ठीक है. जब मैं ये अपने एक फ्रेंड्स के सामने कह रहे थे, तो वो कह रहे थे आपको इसलिए टॉक्सिक लगी है बुक क्योंकि आपके अंदर इंसानियत ज्यादा है, कंपैशन है. लेकिन जब एक मजहबी मुसलमान जो है इस किताब को पढ़ता है, समझे कि आइसिस टाइप का मुसलमान या तालिबान टाइप का मुसलमान, तो वो बड़ा इस इट गिव्स द बूस्ट टू योर ईगो के यू नो मैं जन्नत में जाऊंगा और बाकी जो है जहन्नम में जाएंगे, यू नो. सो इस इट डिपेंड्स कि आपके अंदर कितनी ह्यूमैनिटी, कितना कंपैशन है. अगर आपके कंपैशन होगा तो आप जरूर कहेंगे कि बाकी क्यों जाएंगे, उनका क्या कसूर है. अब वो भी आप ही की तरह के इंसान है, डेली अपनी जॉब पे जाते हैं, कमाते हैं, घर वापस आते हैं, बच्चों के साथ खाना खाते हैं. लाइक व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंट अदर देन द रिचुअल्स. रिचुअल्स ही है ना जो हर मजहब में डिफरेंट है. और खुदा का कॉन्सेप्ट तो है, किसी में एक है, किसी में कई है, किसी में कोई खुदा नहीं है उनके, वैसे ही बुद्धिज्म जिस तरह है. तो इसमें फिर आपको ये होता है कि सिर्फ इस वजह से, फिर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये इसका और अल्लाह इतना इरेशनल है कि वो समझता नहीं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है. आप बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस नतीजे पे पहुंचे हैं, तो सिर्फ इस नतीजे पे उस जहन के जरिए जो अल्लाह ने ही आपको दिया है, अगर आप इस पे पहुंच गए हैं, तो वो आपको इस चीज के सोचने की बस सजा देगा आपको. तो ये बातें जो है ना बड़ी फिलोसॉफिकल है, ये लोगों को चाहिए कि वो सोचें. अब मैं कुरान की बात आती हूँ, कि जो जो चीजें जो फाइनल मुझे लगा कि दिस इज नॉट रिटन बाय गॉड, इट इज रिटन बाय सम ह्यूमन, और ह्यूमन का कलाम है. एक वाक्या था जो जिनको अब वर्सेस ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है, जो सेल्फ सर्विंग वर्सेस इन प्रॉफिट की अपनी जिंदगी पे है. एक तो वो आयशा की जब हार गुम हो जाता है ना, तो उसमें एक वर्स है पूरी आयशा की हार के गुम होने की स्टोरी है. फिर अल्लाह मियाँ एक स्पेशल आयत भेजते हैं कि आयशा जो है वो इनोसेंट है. एक और वो मुझे वर्स पढ़ के हुआ कि यार ये खुदा की आखिरी किताब में क्या करिए वो वर्स, हम क्या करें इस स्टोरी का. व्हाट आर वी सपोज, हाउ अ ह्यूमन ऑफ टुडे इज सपोज टू मेक सेंस ऑफ दिस आयत. लाइक हम क्या करें स्टोरी को सुन के. उस वक्त वो होगा वाक्या, लेकिन इसका 33 की 50 आपने पढ़ी है मदिया जी? कौन सी 33 सूरह हिजाब की 50 शायद ये भी आपने पढ़ा होगा तो बड़ा अजीब लगा होगा। कौन सी वाली, मैं मुझे याद नहीं, मैंने पढ़ी पढ़ा शेयर तो. करता हूँ, शेयर करता हूँ, बड़ी कॉमेडी वर्स है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको यार, वो कौन सी वाली आयत है, फूफू की बेटियां मामू की? हाँ यही वाला है।
हाँ, वो पढ़ी है वो, यार डजंट मेक एनी सेंस कि अल्लाह ने तुम पे ये तो खोफ दे दिया कौन सा खुदा है हमने। भाई, ये जो आखिरी कलाम में है इस तरीके की बात कर रहा है। नीचे लेके आइए थोड़ा ट्रांसलेशन में। हाँ उर्दू में देखिए, मैं भी पढ़ देता हूँ यहाँ से। ये देखिए आयत क्या कहती है। ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके मेहर तुमने अदा किए हैं, और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आई, और तुम्हारी वो चचाजात और फूफीजात और मामूजात और खालाजात बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो मोमिन औरत जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया हो, अगर नबी इसे निकाह में लेना चाहे, ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिनों के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि आम मोमिन पर इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में हमने क्या हुदूद आयत किए हैं। तुम्हें इन हुदूद से हमने इसलिए मुस्तस्ना किया है ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे, और अल्लाह गफूर रहीम है। क्या चल रहा है ये? नहीं लेकिन उसमें ये देखे ना, इतना बड़ा मसला ये है कि जो कजन मैरिज है उसकी वजह से तो इतनी जेनेटिक डिजीजेस हैं, तो इसका मतलब है जिसने कुरान लिखा है उस वक्त उसको ये नहीं पता था कि कजन मैरिज जो है वो उसकी वजह से लोगों में इतनी बीमारियां, और इसलिए इतनी ज्यादा इस्लाम में जो मुसलमानों में कजन मैरिजेस पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है, और यूके में बल्कि आई थी स्टडी के इतनी ज्यादा जेनेटिक डिफेक्ट्स के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आयत जो है अल्लाह की नहीं हो सकती है, तो किसी आदमी ने लिखी है, और वो अपनी कोई अच्छे तरीके से बात कर देता कि तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स हैं वो हलाल हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती, सारी जो है शादी ब्याह के उस पे ही घूम रही है, सेक्स पे, सेक्स स्लेव्स पे, इस तरह की। अच्छा एक और आयत जो थी वो जिसपे मुझे जाके जो प्रॉब्लम हुई वो थी जैनब, जो 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 जैद जैद की बीवी थी। की बीवी के लिए कि गॉड मेड जो आप अडॉप्टेड बेटे की बीवी से तमाम मुसलमान, वो पता नहीं मुझे कौन से आयत है, तमाम मुसलमानों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियां हलाल हैं। अब ये इतनी स्पेसिफिक आयत के कितने मुसलमान हैं जो अपनी बहू से अपने मुंह बोले बेटे, कितने मुसलमानों की मुंह बोली बेटियां बेटे होते हैं, कितने मतलब मुसलमान हैं जो इस आयत से फायदा उठाया है। अभी भी आजकल के दौर में भी कोई राइट माइंडेड मुसलमान अपनी बहू से शादी नहीं करता। मैंने तो नहीं अपनी अपने रिलेटिव्स में या अपने जानने वालों में किसी को देखा कि अपनी बहू से किसी आदमी ने शादी की हो। आपको मुसलमानों में बहुत कम कोई ऐसी मतलब बहुत ही अनयूजुअल केस होगा जिसमें किसी ने अपनी बहू से शादी की होगी। तो ये दिस जस्ट सर्व द पर्पस टू वन मैन, हमें पता है सिर्फ एक शख्स है जिसने अपनी बहू से शादी की है। मुंह बोले बेटे को भी बेटा ही तो माना जाता है, अगर अडॉप्टेड है तो क्या हुआ। यहाँ पे तो अमेरिका में तो अगर आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं आप उस बच्चे को भी कभी कभार नहीं बताते कि आप अडॉप्टेड हैं, लाइक दे फाइंड आउट व्हेन दे ग्रो अप, तो उनकी जो बेटी है वो बहू जो है वो आपकी बेटी की तरह होती है। तो कोई भी मुसलमान शादी नहीं करता अपनी बहू से, मुसलमानों को ये बात खुद पता है, और वो इस बात पे क्यों नहीं गौर करते कि इस आयत से सिर्फ एक शख्स का फायदा हुआ, ये सिर्फ एक शख्स के लिए भेजी लिखी गई है। अच्छा मदिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे देखिए ना कि हर जगह पे मोमिन हजरात की हिपोक्रेसी नजर आती है। मोमिन हजरात खुद इस तरीके के काम नहीं करते हैं, लेकिन वो डिफेंड जरूर करेंगे रसूलुल्लाह को, खुद अपने उसकी वजह जी ये खुद। था कि आप हाँ रैशनलाइज करते हैं, आपको बचपन में अरे आपको आयत बहुत ही मजे। एक मिनट। अच्छा ये वाली एक फनी सी क्लिप, आपको जो स्पेशल वो छूट रसूलुल्लाह को दी गई थी, जरा ये भी सुन लीजिएगा। एक शॉर्ट सा वीडियो है हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का, लगाइए अमित साहब। देखिए यार, अंधे पर, लंगड़े पर और बीमार पर और खुद पर कोई हर्ज नहीं कि तुम अपने घरों में खाना खा लिया करो। यार ये मुझे बता यार, इसकी क्या जरूरत है यार? अपने घरों से खा लो या या अपने बापों के घरों से? हाँ ये क्या मतलब है इसका? अपने बापों के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या इनके घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हारे पास हो, या अपने दोस्तों के घरों से,
उसके लिए मुझे अल्लाह मियाँ को ऊपर से जिब्राइल भेजना पड़ेगा ये बताने के लिए यार। ये वाकई आया, ये कौन से आयत है, मैंने कभी नहीं पढ़ी। 24 की जरा स्टार्टिंग से लगाओ, उसमें लिखा हुआ है 24 की 61 है ना। हाँ सबसे बड़ी आयत यही है शायद ना, कुरान 24 की 61 है, आप नोट डाउन करके रखिए मदिया जी, पढ़ते जाइए और हंसते जाइए। 24 की 61 जी। अच्छा एक और फिर आयत थी, ये एक तो ज़ैनब वाली स्टोरी हो गई, एक आयशा वाली स्टोरी हो गई, और तीसरी थी वो भी बहुत ही फनी है। मतलब अब वो एक आयत ऐसी आई के जो अगर तुमने गलती से अपनी बीवी को बहन बुला दिया हो तो या तो तुम इतने दिन रोजा रखो, यू नो 60 दिन, या फिर 60 मिसकीनों को खाना खिलाओ, या फिर 60 ऊंटों की कुर्बानी, नहीं या गुलाम आजाद करो या फिर ऊंटों की कुर्बानी दो, यार पता नहीं, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा गुलाम तो होते नहीं है, इसका मतलब अल्लाह का ये सोल्यूशन एक्सपायर्ड है। उसके बाद मैंने कहा बीवी को बहन कह दिया तो व्हाट्स द बिग डील, सॉरी कर लो। आई मीन मुझे समझ नहीं आई कि व्हाई दिस वाज सच अ बिग डील के इसको अल्लाह ने एड्रेस किया, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में लोगों को, लाइक यू नो आप बीमारियां हैं, आप जर्म थ्योरी दे दें, आप कैंसर बता दें, आप प्लेग आया था उस जमाने में, प्लेग का क्योर बता दें, यू नो व्हाई ही हैड टू लाइक सेंड दिस इन हिज लास्ट मैसेज टू ह्यूमैनिटी, हाउ दिस सर्व्स द पर्पस, I just didn't, मुझे ये जो ना मुझे कॉमन सेंस से बियॉन्ड लगी बातें, तो मुझे समझ नहीं आया। अगर कोई रैशनलाइज करता है इन चीजों को और फिर कहता है कि नहीं ये अल्लाह का ही कलाम है, तो आई सीरियसली डाउट, मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा रैशनल तरीके से सोचना चाहिए कि वो क्या मजहब क्या फॉलो करें, इसकी जरूरत क्या है। आजकल के जमाने में हमारे पास कॉमन सेंस है, हम कॉमन सेंस से मसले हल कर सकते हैं अपनी जिंदगी के। मजहब इंसानों को डिवाइड करते हैं, मैंने मतलब आप देखें ना किस तरह अदरिज्म क्रिएट करता है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये जू है, और दुनिया में लोग अभी तक लड़े जा रहे हैं, अब क्या ये मुसलमान और जूज आपस में लड़ रहे हैं, जूज भी उसी तरह एग्रेसिव हैं अपने मजहब के लिए, मुसलमान भी उसी तरह हैं, और फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, वो मतलब ये तो आप ट्राइबलिज्म है। एक जमाना था जब ये मजहब बने थे लोगों को यू नो एक यूनाइट करने के लिए, या उनपे कंट्रोल करने के लिए, या उनको जंगे करने के लिए, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, ये मतलब बने थे यही कि पीपल वर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, ये मजहब उनको थोड़े से आंसर्स तो देता है ना कि आपको जो लोग बीमार है समझे, किसी का छोटा बच्चा मर जाता है 6 साल का बच्चा, ठीक है अब उस माँ को कैसे सुकून मिलेगा, उसको सुकून कैसे ये बताएं कि ये जन्नत में है बहुत आराम से रह रहा है, और आप एक दफा जब मर जाएंगे आप जाके उसको मिलेंगे तो उसको सुकून मिल जाएगा। अब दुनिया में जो सारे लोग हैं ना वो समझदार नहीं है, मतलब बहुत सिंपल माइंडेड लोग हैं। आपको मैं ये कहती हूँ कि आप आइडियोलॉजी को जरूर क्वेश्चन करें, जो उस आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स हैं ना वो बेचारे मासूम लोग हैं, वो सीधे साधे लोग हैं, वो उनको बस ये बता दिया है कि ये आइडियोलॉजी है, इसके लिए आपने जान देनी है। अब उस आइडियोलॉजी उसके फॉलोअर्स में से अब कुछ होंगे बहुत अग्रेसिव होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, और कुछ जो बिल्कुल ही उनका IQ बहुत कम होगा, और कुछ लोग होंगे जो लीडर्स होंगे जो बताएंगे कि ये करना है ये करना है। अब देखें जिस तरह आपने अपना चैनल बनाया है, जो या जो दूसरे एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं, या फैस है, या हारिस, या गालिब, या नूरिया, ये सारे लोग आप सब लोगों को गाइड करें। हर बंदा इस सिचुएशन में नहीं होगा कि वो लोगों को गाइड करे कि ये मेजॉरिटी को ये बात समझ नहीं आएगी, आपको उनको बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा, और मेजॉरिटी फिर मेजॉरिटी को फॉलो करेगी। जब ज्यादा लोग मेजॉरिटी इस तरफ एथिज्म की तरफ या यू नो इरिलीजियस हो जाएंगे, तो जो सिंपल माइंडेड लोग हैं वो आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दे आर जस्ट द फॉलोअर्स, दे आर एंड लीडर्स आर फ्यू पीपल हु आर टेलिंग देम कि ये गलत है आपने उनको निकालना है। तो इसलिए मैं हमेशा आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करती हूँ, जो उसके फॉलोअर्स हैं ना मैं उनको इतना एड्रेस नहीं करती, क्योंकि मैं किसी को कभी अपने मैंने चैनल पे किसी को मुस्लिम मुसल्टा या हिंदू या ज्यू कह के एड्रेस नहीं किया। उसकी वजह यह है कि आपको हमें मुर्तद या मुलहद का नाम दिया गया है, यू नो हमें एक तरह से डिह्यूमनाइज किया गया है, why are you putting labels on us, ठीक है, we are just free thinkers, we don't believe these religions are true। तो जब आप किसी को
एड्रेस करते हैं कि ये जो मुस्लिम आ गया या हिंदू आ गया, तो आप बेसिकली डिह्यूमनाइज कर रहे हैं उनको, आप वही कर रहे हैं जो हमें किया जा रहा है, तो आप में और उनमें फर्क नहीं रह जाता। आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करना चाहिए, बिकॉज आइडियोलॉजीज हैव प्रॉब्लम्स। जो फॉलोअर्स हैं वो तो बचपन से, अगर आपने किसी के कान में अजान दे दी है तो वो तो, और सारे फैमिली फ्रेंड्स उसको रीइन्फोर्स कर रहे हैं, इट्स डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट। जो लोग निकलते हैं बड़ी मेहनत से निकलते हैं, मतलब मैं मेहनत से निकली हूँ, अपनी सोच कर निकली हूँ। आपकी मजहबी ब्रेन वॉशिंग आपके ब्रेन सेल्स को डेड कर देती है, और जो लोग, मैं कहती हूँ कि जो इससे निकल कर आते हैं, दे आर सर्वाइवर्स ऑफ द ब्रेन वॉशिंग। इतनी हैवी ब्रेन वॉशिंग की जाती है आपकी मजहबी ब्रेन वॉशिंग, के उससे निकलना बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर मदिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए जब आप जब फाइनल पॉइंट पे पहुंची होंगी कि नहीं यार, ये सारी जो चीजें हैं, जितना मुझे सिखाया गया था, इस्लाम बताया गया था, ये तो एक मैनमेड चीज है, एंड यू नो इट्स ऑफ नो यूज फॉर ह्यूमैनिटी। अभी आप जो है वो डॉक्टर भी है, फिजिशियन भी है, भले से आप यूएस में हैं, लेकिन आप चेहरे के साथ अपना एक्टिविज्म कर रही हैं। तो मेरा सवाल ये है कि, और बड़े खुले तरीके से आप बोल भी रही है इस्लाम के बारे में क्या प्रॉब्लम है, जो कि एक बहुत से मोमिनों के लिए जितना आपने कहा उतना ही बहुत बड़ी गुस्ताखी है उनके लिए। मतलब आपने रसूलुल्लाह की या अल्लाह की या इस्लाम की आपने गुस्ताखी कर दी है, एंड वी हैव सीन के इनके साथ क्या हुआ, अपने जो आपने जिनका नाम लिया था, सलमान सलमान रुश्दी साहब का। तो आपको थोड़ा ये डर नहीं लगता, भले से आप यूएस में हैं, कि आपके जो पेशेंट्स हैं उसमें मोमिन हजरात भी होंगे, तो डर नहीं लगता कि यार कोई मुझे देखने वाला आ जाए और यू नो ही कैन ट्राई टू हार्म मी, इस तरीके के ख्यालात आपको नहीं आते? पता नहीं, मैं इतनी ओपनली ब्लास्फेमी तो नहीं करती। जिस तरह प्रॉफिट को मैंने बड़े, मतलब हमेशा मैं इज्जत से ही बुलाती हूँ, प्रॉफिट ही कहती हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर किसी की कोई, मतलब किसी शख्सियत की कोई इज्जत लोग करते हैं, यू नो 1.8 बिलियन लोग, तो आप भी उनको इज्जत से ही बुलाएं। हाँ, ये क्वेश्चंस हैं मेरे, लाइक वी हैव वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का इनके पास जवाब नहीं है। तो मतलब मैं, आई डोंट रिमेम्बर कि मैं अपनी वीडियोस में मैंने कभी भी किसी की भी इंसल्ट की हो। ये क्वेश्चंस हमारे बड़े जेन्युइन हैं, इनके पास जवाब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लोगों में, मुसलमानों में ह्यूमिलिटी आए, कि ये जो फेथ है, ये आपका फेथ है, ठीक है, आपका दावा है। आपको जो अगर कहा जाए कि आप अल्लाह को प्रूव करें, साबित करें, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप फिर आप ये एटलीस्ट ये एडमिट कर लें कि ये हाँ हमारा फेथ है, हम अल्लाह को साबित नहीं कर सकते। ह्यूमिलिटी अपने अंदर लाएं। मुझे, आई डोंट नो, मुझे डर नहीं लगता। अमेरिका में तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मैं अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज कर रही हूँ। अब तक तो मुझे नेगेटिव, मेरे चैनल पे भी बहुत पॉजिटिव है मेरा फीडबैक, क्योंकि मैं आइडियोलॉजी को डिस्कस करती हूँ, मैं उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको डीमनाइज नहीं करती। तो मेरा ख्याल है, मेरा शायद इस वजह से जो लोग मुझे, बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं पे आते हैं, कई दफा मुसलमान भी आते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, इसलिए कि मैं उनके लिए, मैं रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। मैं सिर्फ आइडियोलॉजी के ऊपर बात करती हूँ, और आइडियोलॉजी को मैं चैलेंज करती हूँ, और मेरे क्वेश्चंस हैं उनके पास जवाब नहीं है। अमेरिका में आई फील सेफ। आई डोंट नो इफ आई कैन गो टू पाकिस्तान। आई एम प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू गो टू पाकिस्तान, बिकॉज यू नो दहरा प्लीज मत बाम, जाइएगा। या लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लोगों में, मजहबी लोगों में ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, आप में इंकसारी आनी चाहिए, कि आपका भी मजहब, अगर बाकी के 4,000 मजहब गलत हैं, तो आपका भी गलत ही है, आपका भी मैन मेड ही है।